गाइस अभी हम हैं बोमीखाल में और ये देख सकते हैं कार फैशन, और जस्ट इसके ऑपोजिट में बोमीखाल दुर्गा पूजा समिति है, और साइड में देख सकते हैं ये है आमो ओडिशा होटल। और मैं आप लोगों को यहाँ पे आज एक्सप्लोर करूँगी ऑथेंटिक उड़िया कुजीन। तो चलिए चलते हैं और खाते हैं यहाँ का खाना, और जस्ट हम ब्रिज के नीचे हैं और ब्रिज के नीचे से जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम आए हैं आमो ओडिशा होटल और ये है बोमीखाल में। और गाइस, हमने सुना है यहाँ पे ऑथेंटिक उड़िया डिशेस मिलते हैं, और जो पूरा होममेड स्टाइल में, जो कि हमारे ओडिशा में ही अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल वे में कुकिंग किया जाता है, और कौन सा बासन बोला जाता है उड़िया में, जो कि ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में, उस यूटेंसिल में यहाँ पे खाना सर्व होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या खाना यहाँ पे सर्व किया जाता है। सो गाइज, लुक एट द एम्बियंस, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली उसको डिज़ाइन किया गया है। हर एक वॉल्स में पेंटिंग्स है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, और देख सकते हैं यहाँ पे ये है ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स। और यहाँ पे खाना खाने से बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, और ट्रेडिशनली यहाँ पे इस तरह के यूटेंसिल्स में खाना सर्व किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। सो गाइस, जो भी एम्बियंस है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ऐसे ट्रेडिशनल जगह पे खाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज हम जो भी खाएंगे आपको एक्सप्लोर करेंगे, और आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस, आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ पर आके विज़िट करिएगा, और यहाँ का जो भी खाना है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ का जो भी ऑथेंटिक कुजीन है। सो गाइज, हम लोग पूछ रहे थे यहाँ पे कि किस तरह का खाना यहाँ पे मिलता है। सो वेज नॉन वेज दोनों ही मिलते हैं, तो हम लोग वेज नॉन वेज दोनों ऑर्डर कर रहे हैं अभी, और देखते हैं क्या क्या खाना आता है, किस तरह का होता है, खा के बताते हैं आपको। सो गाइज, हमारे उड़ीसा में हम लोग प्रीफर करते हैं ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। सो इसे लोटा बोला जाता है, या फिर छोटा सा आप घड़ा टाइप बोल सकते हैं। यहाँ पे पानी पीने से बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और ये मेरी फ्रेंड पानी हम दोनों के लिए निकाल रही है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के गाइज, ये माहौल में खाने के लिए। तो ये हमारा प्लेटर आ गया है। सो हमने वेज नॉन वेज थाली ऑर्डर किया है, तो देखते हैं क्या क्या हमें थाली में मिला है। हेलो
गाइस देख सकते हैं कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है। और ये है राइस, दही बैगन, सैलेड, दाल, चटनी, मैंगो चटनी। और ये देखिए, ये है वेज प्लेटर, इसमें साग, आलू वगैरह सब कुछ है। तो गाइस आज फिर से हम अमोरिस होटल आए हैं और आज पूरा वेज ट्राई कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये है पकौड़ा और वही प्लेटर आज फिर से। और ये है खर फुलाई देखिए, और ये है अपना खाना। तो खा रहे हैं, हम मज़ा ले रहे हैं खाने का। का सैटरडे है और पूरा सब कुछ आज वेज हो रहा है। ये कैसा है खा के बताओ? ये अच्छा है। सो गाइस ये वीडियो क्लिप हम लोग का सेकंड विजिट का था। हमें पहला दिन इतना अच्छा लगा कि हम लोग सेकंड बार भी चले गए खाने। खाना जो है मतलब माइंड ब्लोइंग दिख रहा है और मुझे ना इसको खाने नहीं देना है। मैं देखना चाहती हूँ कितना देर तड़प सकती है बिना खाने। गाइस हेल्प मी, मुझे खाना मतलब सच्ची में बता रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरह का ये खाना दिख रहा है और जो उसका मतलब अरोमा जो है वो इतना अच्छा लग रहा है कि हम उसको खाने ना दें। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही सीरियसली, बट ये मुझे खाने नहीं देगी। थोड़ा दया कर देते हैं, चल तू भी क्या याद रखेगी। मेरा आ जाना जब तक फिर खाने। कौन अच्छे लोग बेसी कौन पसंद करते? मटन आ चिकेन, चिकेन भी आ पोड़ा आइटम करूबे नहीं आते नहीं माछ पोड़ाटा करूबे ना। आज खाई देखो कमी लगे कमी है छाटी पिटी है खाया ले सब। तो गाइस देख सकते हैं ये जो लड़की है ये मुझे शूट करने भी नहीं दे रही है। उड़िया में बोला जाता है कि गॉड छट्टी पिट्टी में थोड़ा छटपटाना जैसे बोलते हैं। तो चलो हमारे लिए खा के बताओ टेस्ट कैसा है। सो ये बता दो कौन सा क्या है। ये चिकन है, ये चिकन कोस्ता है, चिकन कोस्ता। और ये बता दो, ये आलू है, आलू और हाँ ये आलू है चिकन का। ये थोड़ा मछोड़ा फिश पोड़ा, हाँ फिश पोड़ा। ये चटनी, ये पापड़ है, सैलेड, सैलेड, दाल, बैगन, दही बैगन, और इधर वेज आइटम ये मेरा है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा एक प्लेटर है जिसमें आपको भुजिया, साग और आलू चोखा, बड़ी चूरा, प्याज, नींबू सब मिलता है। और ये घंटा तरकारी है चने दाल का और इसमें बहुत सारे सब्जी ऐड हुए हैं। तो गाइस नॉन वेज निहारी का खा के बताएंगे और नॉन वेज खा के बताएंगे आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड क्योंकि जस्ट रोड के किनारे ही ये इनका रेस्टोरेंट है और काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था तो हमें बहुत ही डिस्टर्बेंस हुआ शूट करने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। रिकमेंड कर सकते हैं बिल्कुल, आप यहाँ आओ इसे जरूर ट्राई करो। चलिए ये है फिश पहाड़ों में फिश पोड़ा, रूही रूही है शायद, रूही माछ है, रोहू रोहू माछ। एलिना हब से ऑसम लग रहा है, ऑसम लग रहा है, इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें से। बीच का दिखा निकाल के जो थ्री और हाँ वो जो मसाला है ये दिखा, ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये इसमें मस्टर्ड है, अनियन है, गार्लिक भी डाला गया है, इसका टेस्ट इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से इमली उसका फ्लेवर आ रहा है। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला जाता है और राई, मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा जीरा, नींबू, टमाटर, प्याज जो भी डाल सकते हो आपकी मर्जी। उसके बाद इसको मेरीनेट करके इसको पत्ता में जलाया जाता है। सच में इसका टेस्ट बहुत ऑसम, अच्छा बहुत ही ऑसम इसका टेस्ट।
हाँ टमाटर भी डाला गया है गाइस। तो गाइस अभी ये जो मैं वेज खा के आपको बता दी हूँ इसका टेस्ट कैसा है, और दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। दही था, दही बैगन था, वो भी बहुत
लोगों को ये कैसा लगा यहाँ पे खाना। तो आशा करते हैं आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सर नमस्कार, आओ केमिति अछो आपन को इंट्रोडक्शन टिके देबे आपन को नाटिए कहंतु शांति मान लो है। अच्छा आपन आइटा माने जो रेस्टोरेंट केबे टू करलेनी 13 वर्ष पूर्व कन्सेप्ट जो देखिलु हमें आपण एम्बियंस देखिलु आपण जो इंटीरियर देखिलु पूरा ओडिया स्टाइल केमिति आपण को माने मन को आसिला कि एमिति हमें ए भलिया परिवेश लोक को दबु ओइठी लोक पूरा ऑथेंटिक ओडिया खाना खाइबे। ये तो हमें ओडिसा रे घर ओडिसा रे परंपरा को पुराना परंपरा को हमर सब कंसा बासन रे आरो खंती ओडिया खादि हमर सब से कंसा बासन देखिकी मो मन खुशी हो गला पूरा बहुत बढ़िया लगला एम्बियंस। आशा करूँ आप खाना भल लगे आउ नेक्स्ट विजिट भी करू नि लोक रेकमेंड भी करू। थैंक यू। बाय बाय।